हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका योगराज एजुकेशन हब में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी न्यू सीरीज़ एयरफोर्स के प्रैक्टिस सेट की, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। इन प्रैक्टिस सेट को पूरा कीजिए और देखिए कि आप इनमें कितने नंबर अचीव करते हैं। और वैसा ही पैटर्न है जैसा कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और वैसे ही क्वेश्चन और वैसा ही लेवल है। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कीजिएगा और देखें आपका लेवल कितना है, आपने किस लेवल की तैयारी अभी तक की हुई है। तो स्टार्ट करने से पहले जिन भी एयरफोर्स कैंडिडेट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको एयरफोर्स की ताज़ा अपडेट्स मिलती रहें, और पास में रखे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें। अब चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो अपना एक है पेशी वॉइस। तो ये सभी क्वेश्चन मैंने मोस्टली जो पीछे प्रैक्टिस सेट करवाए थे, 10 प्रैक्टिस सेट पिछले कुछ दिनों में, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया वो उन्हें कर लीजिए। सभी जितने भी क्वेश्चन थे मोस्टली एयरफोर्स के लेवल के जो एसएससी में आए हुए थे, उन 10 प्रैक्टिस सेट में मैंने करवा दिए हैं। तो एक बार जिन्होंने भी नहीं देखे वो रोज़ उनमें से एक एक प्रैक्टिस सेट कर लें। तो होप करता हूँ उनमें आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। ये क्वेश्चन उसी तरह है जिस तरह हम हु वाले वाक्यों को चूज करते हैं, हु को बाई हुम में बदलते हैं। तो यहाँ पर बाई वट है वो तीन ही सेंटेंस में चेंज किया हुआ है, आप देख लेंगे, ठीक है। और पैसिव वॉइस में आप जानते हैं कि इंटरोगेटिव वाक्य को इंटरोगेटिव में ही रखते हैं, और यहाँ पर पास्ट सिंपल दिया हुआ है, तो पास्ट सिंपल वो हमें पता है पास्ट कंटिन्यूस में बदलते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आपको पता चला गया होगा क्यों, क्योंकि यू के अनुसार यहाँ पर वर यूज़ किया गया है, और पास्ट सिंपल की जगह हमने यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस यूज कर दिया है, और वट को बाई वट में बदल दिया है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज कर दिया है, और इंटरगेटिव का इंटरगेटिव वाक्य रख दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, एवरीबडी सेड हाउ वेल सी सिंग्स, ठीक है। तो इसे जल्दी से कर लीजिए, अपना राइट आंसर आप चूज कर सकते हैं, जल्दी से देखें, बड़ा ही आसान है। तो पहले तो देख लें एक्सक्लेमेटरी वाक्य है, ठीक है, और आपको पता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सिंपल में बदलना होता है, मैं चाहे वाक्य कैसा ही हो सिंपल में बदलना है। तो यहाँ पर चौथा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टोल्ड दिया हुआ है, यहाँ पर भी टोल्ड दिया हुआ है। तो दूसरे और तीसरे में से अब ऑप्शन चूज करना है आपको, दैट दोनों में दिया हुआ है, सी सिंग्स दिया हुआ है यहाँ पर, ये गलती आ गया, तो दूसरा भी गलत हो गया। क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रेजेंट सिंपल को हम पास्ट सिंपल में बदलते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि सेंग किया हुआ है, सिंग को पास्ट सिंपल में बदला हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपनी एक कॉमन एरर। तो ऐसी ही कॉमन एरर आपके एग्जाम में आएगी, तो दोस्तों लाइक के बटन को दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने फ्रेंड तक शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। द पुलिस हैज़ अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से देख लें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, 10 मिनट के अंदर आपको ये सभी क्वेश्चन करवाने का ट्राई करूँगा। तो द पुलिस के बाद हमें पता है कि हैव आएगा, क्यों, क्योंकि प्यूपल, पुलिस, जेंट्री, पिजेंट्री ये सभी प्लुरल होते हैं, और इनके बाद हम प्लुरल वर्ब भी यूज़ करते हैं। तो पुलिस प्लुरल है, तो इसके साथ हैव यूज़ करेंगे यहाँ पर, न कि हैज, ठीक है, हैज नहीं आएगा यहाँ पर, हैव इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉमन एरर की तरफ, जहाँ पर आपको दो कॉमन एरर देखने को मिलेंगी, इससे ज़्यादा तीन भी आ सकते हैं, लेकिन दो तो मिनिमम है, दो तो आएंगी। तो इट इज़ टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। तो जल्दी से अपना राइट पार्ट चूज कर लें, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको दूसरी तीसरी बार करवा रहा हूँ, तो अच्छा देख लीजिए अच्छी तरह से कि हमें पता है कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम के बाद हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस। तो यहाँ पर आप जल्दी से देखें कि पास्ट सिंपल टेंस क्या यूज किया हुआ है, तो देखेंगे नहीं, यहाँ पर डन, शुड हैव डन किया हुआ है, तो यहाँ पर हमें शुड हैव को काट देना है, और डन को हमें बदलना है डिड में, डू डिड डन, ठीक है। तो यहां पर करना है हमें वी डिड, इसका राइट आंसर हो जाएगा वी डिड, यहां पर शुड हैव डन नहीं आएगा, वी डिड आएगा केवल, ठीक है, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस करना है हमें। अब चलते हैं ऐसे क्वेश्चनों की तरफ जिनमें आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना होता है कि ब्लैंक में कौन सा जो वर्ड है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद, जितना सपोर्ट आप मुझे कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आप देख लें जल्दी से, मोस्ट पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्लैंक एडवर्टाइजमेंट्स एंड टेंड टू बिलीव द क्लेम्स मेड अबाउट द प्रोडक्ट्स। कि जो हमें एडवर्टाइजमेंट आती हैं हम उनकी तरफ
बढ़ रहे हैं और उनके जो उनकी तरफ हमारा विश्वास है वो ज़्यादा होता जा रहा है। टेंट प्रवृत्ति होती है टेंट का मतलब, तो इसका राइट आंसर है कलरफुल, कि कलरफुल एडवर्टाइजमेंट्स इसका बेटर ऑप्शन है। तो मैंने प्रीपोजिशन का सवाल आई, प्रीपोजिशन मैंने बहुत ज़्यादा करवा दी है आपको, 80 में तो आई सभी करवा दिए हैं। अगर आप 2-3 वीडियो मेरे प्रीपोजिशन पर वो देखेंगे तो आप किसी भी प्रीपोजिशन क्लियर हो जाएंगी प्रीवियस एग्जाम में आई हुई। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन सही रहेगा, इनडिफरेंट के अनुसार हमें यूज़ करना है कि अलाइक के अनुसार। इनडिफरेंट के लिए फिक्स्ड प्रीपोजिशन यहाँ पर कौन सी है, तो इनडिफरेंट के साथ हमेशा हम टू यूज़ करते हैं, इनडिफरेंट टू, ठीक है। अब आ जाता है देयर विल बी ए रश फॉर सीट्स व्हेन द ट्रेन, टेंस का क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सा टेंस बेटर है तो जल्दी से देख लीजिए। तो ऐसे वाक्य होते हैं कंडीशनल, जिसमें एक होता है मेन क्लोज और एक होता है कंडीशनल क्लोज। कंडीशनल क्लोज है ये और मेन क्लोज है विल बी वाला। तो कंडीशनल क्लोज जहाँ पर एक फ्यूचर सिंपल होता है तो दूसरी तरफ हम प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे, ठीक है, कि ट्रेन जब आती है तो उसके बाद भीड़ होगी, ठीक है। तो पहला जो निर्भर वाक्य जिस पर कहता है ट्रेन का आना, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल आपको यूज करना है। ध्यान रखिए जब जब भी आपको फ्यूचर सिंपल मिले ना तो आपको प्रेजेंट टेंस की तरफ ही जाना है, ना कि पास्ट की तरफ। फ्यूचर का प्रेजेंट से कनेक्शन है। ही ब्लैंक वॉन्ट्स टू सक्सीड इन लाइफ मस्ट बी प्रिपेयर टू वर्क हार्ड। तो यहाँ पर आपको चूज करना है कंजेक्शन, कि कौन सा कंजेक्शन यहाँ पर आएगा, हु एवर, दूसरा ऑप्शन है हुम, तीसरा है हु, चौथा है हुज। तो जब भी कर्ता मतलब सब्जेक्ट खुद पूरे वाक्य में काम कर रहा होता है, यहाँ पर ही का ही पूरा सेंटेंस ही पर डिपेंड करता है, तो वहाँ पर हम हमेशा ही यू यूज हु यूज करेंगे। यहाँ का राइट आंसर है हु, ही हु वॉन्ट्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप कोई सेक दूसरा पर्सन होता तो वहाँ पर हु मत यूज़ कर देना, ठीक है। अगर दो लोगों की बात हो रही हो एक ही सेंटेंस में। तो अब आते हैं क्वेश्चन टैग की तरफ। क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन आसान होंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम मत लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होप करता हूँ आपने चूज कर लिया होगा। इसके कुछ रूल्स हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को पॉजिटिव में, ठीक है, बस इतना ही है और सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेम टेंस होना चाहिए, सभी तरफ आपको सेम टेंस दिया हुआ है, लेकिन देखना है कि वाकई पॉजिटिव में नेगेटिव में। देखने पर तो लगेगा पॉजिटिव में, लेकिन ऐसे वर्ड्स होते हैं नन, तो ये दिखाते हैं नेगेटिव सेंस, नेगेटिव होते हैं तो वाक्य को बदलना है पॉजिटिव में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर ऑप्शन। तो अब आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको फ्यू, लिटल, लेस, मोर, मच के जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एयरफोर्स एग्जाम में आएंगे। सी हैज ओनली ब्लैंक फ्रेंड्स, तो पहला ऑप्शन है फ्यूअर, दूसरा है लेस, तीसरा है मोर, चौथा है फ्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यू, क्योंकि ओनली के बाद ये फ्यू ही यूज़ करते हैं, ठीक है, ओनली के बाद हमेशा ही ये फ्यू आता है। फ्यूअर, लेस और मोर हम यूज़ नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन के लिए जैसे हम फ्यू वाले यूज़ करते हैं और अनकाउंटेबल के लिए लिटल यूज़ करते हैं, लिटल मिल्क, ठीक है, और फ्यू फ्रेंड्स। ऐसे याद रख सकते हैं कि एफ से एफ ट्रिक लगा लीजिए, एफ से एफ फ्रेंड्स मतलब काउंटेबल, फ्यू काउंटेबल के लिए है, लिटल अनकाउंटेबल के लिए है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश कार वॉज नॉट, ब्लैंक है यहाँ पर रमेश, सो वी वर टू एग्जॉस्टेड बाय द टाइम वी रीच्ड होम। तो चारों ऑप्शनों में देख लीजिए कि कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा। एडजेक्टिव का सवाल है, एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एज कंफर्टेबल एज। तो इसमें तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, कुछ क्वेश्चन आपके एयरफोर्स एग्जाम में है जिनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, तुरंत क्लिक कर देना उन पर, ठीक है, एज कंफर्टेबल एज। अब आता है एक सिनोनियम अपना, स्टूबॉर्न, स्टूबॉर्न का क्या होता है सिनोनियम आपको देखना है पहले तो हिंदी पता होनी चाहिए अपने, इनको अच्छा कैसे करें। तो अच्छा करने के लिए भी एक ही ट्रिक है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें इनको बस। अब ये कहेंगे कि भाई इम्पोर्टेंट कहाँ से लाएं, तो मैंने आपको बुक प्रेफर की हुई है किरण या एमबी की, तो उनमें जो दिए हुए हैं अच्छे अच्छे बेटर वो आप पढ़ सकते हैं, उनके लास्ट में आपको हिंदी दी हुई मिलेगी। तो इसका राइट आंसर एडामेंट, स्टूबॉर्न का मतलब होता है जिद्दी, एरोगेंट हो गया, घमंडी,
ठीक है, स्टूबोन होता है जिद्दी, जिद्दी का राइट आंसर एडामेंट भी होता है जिद्दी। अब चलते हैं अपने एंटोनियम की तरफ, ठीक है। आज के प्रैक्टिस सेट में पेसेज मैं आज के बाद नहीं डालूंगा, पेसेज आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है जितने कि अदर क्वेश्चन रखेंगे। तो मिनिएचर का हो जाएगा यहाँ पर, मिनिएचर का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, ये इसका सिनोनियम है स्मॉल। आप अपने को देखना है एंटोनियम, तो एंटोनियम हो जाएगा लार्ज, ठीक है। अब चलते हैं भाई अपने वन वर्ड की तरफ, द वॉरशिप ऑफ आइडियल्स और इमेजेस, कि जो हम पूजा करते हैं मूर्तियों की और जो तस्वीरें होते हैं उनकी, उसको क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है एथिज्म, दूसरा थीज़म, तीसरा आइडियोलेट्री और चौथा है आइक्नोक्लाज्म। इसका राइट आंसर थर्ड नंबर ऑप्शन, आइडियोलेट्री का मतलब होता है मूर्ति पूजा, आइडियोलेट्री ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा वर्ड है। अब आता है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पर कौन सा है परसेवरेंस के लिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दे कर कीजिए, वरना यही क्वेश्चन जो है वो आपके गलत होंगे और आपके नंबर कट कर लेंगे। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखिए, तो इसका राइट आंसर है परसेवरेंस। इसके लास्ट में ANCE आएगा, ठीक है। अब आता है अपना सबसे अच्छा क्वेश्चन PQRS का, जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है PQRS का, थोड़ा सा हार्ड आएगा, तो जितने ट्राई हो उसके में बेटर कीजिएगा। द पिगन्स वर यूज एज मैसेंजर विच वर टाइड इन द ओल्डन डेज टू कैरी मैसेज टू देयर फीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, द पिगन्स वर यूज एज मैसेंजर इन ओल्डन डेज टू कैरी मैसेज विच वर टाइड टू देयर फीट, के मैसेंजर के तौर पे यूज किए जाते थे पुराने दिनों में, जो उनके पैरों से बंधा होता था वो मैसेज। तो इसका राइट आंसर है थर्ड नंबर ऑप्शन, थर्ड नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है PRSQ। ये हो गए अपना 16 क्वेश्चन, इसमें से अपना आपने 13 या 14 ले लिए हैं तो अपना बेटर स्कोर रहेगा आपका, मानता हूँ ये आपका अच्छा स्कोर है। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपसे ना छूटें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।